गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्माए जी 24 कलाक साथ खास बातचीत करी। रघु शर्माए मोंघवारी बेरोजगारी भ्रष्टाचार ने मोरबी होनारा सहित मुद्दे भाजप ने घेरवानो प्रयास कर्यो। शू कह्यु रघु शर्माए आओ जोईए। गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा अपनी साथ जुड़ रहे हैं, तुमने साथ बात करी। शर्मा जी, पहले चरण के चुनाव में कुछ दिनों का अंतर बाकी रहा है और जो चुनावी मुद्दे हो दिन प्रतिदिन चेंज होते रहे, आप किस प्रकार से देखते हैं? मुद्दे चेंज कौन कर रहा है? जिनके पास कुछ कहने को नहीं है, 27 साल जिन्होंने सरकार चलाई है, वो आज मुद्दे क्यों बदल रहे हैं? मुद्दे तो महंगाई है, मुद्दा तो बेरोजगारी है, मुद्दा तो अर्थव्यवस्था है, मुद्दा तो भ्रष्टाचार कितना हुआ उस पर जवाब देने का है। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से दूर क्यों भाग रही बीजेपी? गुजरात की जनता आज पेट में रोटी चाहिए हर आदमी को, हाथ में रोजगार चाहिए नौजवान को, अर्थव्यवस्था ठीक रहनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। और जिस तरह से जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, घर घर शराब की आज डिलीवरी हो रही है, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, मोरबी में 135 लोग मारे जा रहे हैं, लोग चिंता में हैं, परिजन जिन्होंने खोए हैं अपने परिजन, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी संरक्षण बीजेपी दे रही है, बचा रही है। ये हालात में गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, अंडर करंट है बीजेपी के खिलाफ। और आप लिख के लेना, 8 तारीख को जब परिणाम आएगा कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। अमित शाह का कहना है कि 20-22 साल पहले कुछ दंगे नहीं हो रहे थे, ऐसा है। देखिए मेरी बात सुनिए, गुजरात में आज जो मुद्दे हैं उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? क्या घबराहट है उनके अंदर? प्रधानमंत्री जी को गली गली घूमना पड़े, गृह मंत्री को यहाँ कैंप करना पड़े, 40-40 केंद्र सरकार के मंत्री यहाँ गली गली में घूम रहे हैं, और जितने राज्यों में इनकी सरकार है उनके मुख्यमंत्री यहाँ घूम रहे हैं, तो परेशान तो है बीजेपी। अब परेशानी में प्रधानमंत्री का भी कहना है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद। अरे सर, आतंकवाद में तो दो दो प्रधानमंत्री खोए हैं कांग्रेस ने। इंदिरा जी की शहादत देश भूला नहीं, राजीव गांधी की शहादत हुई, हमारे सरदार बेन सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनकी शहादत हुई। आज बीजेपी ने अंगुली कटाई है आतंकवाद से लड़ने में, हमको सबक सिखा रहे हैं। आतंकवाद से लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है और आगे भी देश को बचाने की लड़ाई कांग्रेस ही लड़ेगी, बीजेपी कभी नहीं लड़ पाई। सर, एक आखिरी सवाल, मैनिफेस्टो तीनों पार्टी के आ चुके हो और सब में सिमिलर बात है, कुछ ना कुछ फ्री देने वाली। अगर उनको तो 27 साल हो गए ना, उनको तो मैनिफेस्टो देने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो ये बताना चाहिए हमारी उपलब्धियाँ हैं। मैनिफेस्टो तो जो सत्ता में नहीं है उसका होता है, उनका काहे का मैनिफेस्टो? उनका तो रिपोर्ट कार्ड आना चाहिए। मुझे ताज्जुब है कि गुजरात की जनता को इन्होंने समझ क्या रखा है, जिन लोगों को रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए वो मैनिफेस्टो दे रहे हैं। शुक्रिया। तो आ हता डॉक्टर रघु शर्मा, जेमनो कहेवुं छे के खरेखर जे मुद्दा पर वात थवी जोईए ते मुद्दा पर वात करते रहीने भारतीय जनता पार्टी मुद्दा पटकावीने प्रचार करी रही छे। कैमरा पर्सन एसपी शर्मा साथे गौरव पटेल, जी मीडिया, अमदावाद।